सर मैं ये बोल रहा था कि ये जो वर्धमान होल्डिंग्स है ये लेने लायक शेयर है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट और सेल वगैरह जो है वो 13 करोड़, 70 करोड़, 28 करोड़ से वो छोटे छोटे हैं। इसका अदर इनकम वाला पार्ट जो है वो बड़ा है, तो इस तरह के स्टॉक्स लेने चाहिए क्या? देखिए, जो होल्डिंग कंपनी होती है ना, होल्डिंग हाँ, कंपनी आपको क्या बताती है? होल्डिंग मतलब क्या? होल्डिंग मतलब किसी भी चीज को लेके और होल्ड करना। मतलब होल्डिंग कंपनी बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, हाँ, वही वही बाकी कंपना कंपनी में कंपनी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। करती है, और ये वाली जो कंपनी है ये रियल एस्टेट, इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट करती है। बिल्कुल, तो इनकी जो पूरा बिजनेस है इसीलिए वहां से आता है। अदर इनकम से डिविडेंड आती है, अदर इनकम से कैपिटल गेन आते हैं, जो भी है सारी इनकम इनकी वहां से आती है। और क्योंकि प्रॉफिट जो है, अच्छा 200 करोड़ जस्ट टच कर दिया है, तो देखो 5 से प्रॉफिट भी गिरा है तो अभी के लिए अवॉइड करो। मतलब एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना देख लो कि जब आप खरीद रहे हो ना कोई भी स्टॉक को, एटलीस्ट तब तो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे, ठीक है? बेयर मिनिमम इतनी सी चीज तो देख के खरीदो, ठीक है? 2022 में जो प्रॉफिट थे ट्रेलिंग 12 मंथ, उससे कम है। और कम का रीजन क्या है? कम का रीजन है कि इनके सितंबर और दिसंबर 2021 में काफी अच्छे प्रॉफिट आए थे, बस उसके बाद से इनके जो है 70-80 करोड़ की प्रॉफिट थी, 90 करोड़, 90 करोड़, 60 करोड़, 30 करोड़, ये कम ही हो रहे हैं। ये ट्रेंड हमने देख लिया, कम ही हो रहे हैं, इग्नोर करो, ठीक है? ओके ओके। बिल्कुल।